हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पर इजीली मलाई पनीर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी देने जा रही हूँ। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज किचन और मैं हूँ मीना। तो चलिए झटपट से देख लेते हैं कि हम घर पे आसानी से सॉफ्ट वाला मलाई पनीर कैसे बनाएं। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। फुल फैट मिल्क मतलब जिसमें अच्छा गाढ़ा मलाई बन जाता है, वो वाला मिल्क। और यहाँ पे मैंने छानने के लिए एक कॉटन कपड़ा लिया है, जिसके नीचे मैंने एक बर्तन रख लिया है। पहले से ही तैयारी करके रख लीजिए और कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, जिससे कि कपड़ा सरके नहीं जब आप दूध उसमें छानते हो। तो उसके प्रिपरेशन पहले करके रख लीजिए। तो देखिए, दूध को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको हिलाते रहना है, जिससे कि इसमें मलाई ना जमे और हमारा जो पनीर है सॉफ्ट बने। एक 15 मिनट बाद, एक 10 से 15 मिनट बाद आपका दूध जब उबल जाए, आपको एक विनेगर और पानी का घोल बनाकर रख लेना है। 2 चम्मच विनेगर में 2 चम्मच पानी मिक्स करके रख लेना है। उसी से हम दूध को फाड़ेंगे। तो देखिए, जैसे उबाल आए आपको गैस की फ्लेम बंद कर लेना है और एक एक स्पून कर आपको इसमें विनेगर और पानी का घोल मिलाना है। एक साथ आप मत डालिए तो काफ़ी खट्टा हो जाएगा आपका जो पनीर है वो। तो इसके लिए जब दूध फटने तक आपको सिर्फ डालना है। कभी कभी 1 या 2 स्पून से ही फट जाता है, देखिए। तो आप स्पून बाय स्पून डालिए विनेगर और पानी का घोल और तुरंत ही आपका दूध फट जाएगा। देखिए, इस तरह से मलाई और पानी सेपरेट हो जाना चाहिए। तो आप इसे अभी, हमने जो स्टेन छानने के लिए रखा है बर्तन और कपड़ा, उसमें आप स्लोली सावधानी से इसको छानिए। बहुत गर्म है, सावधानी से छानिए। इसलिए देखिए, इस तरह से स्लोली छान लीजिए और जिस बर्तन में हमने दूध गर्म किया था उसी बर्तन में हमने इसको अच्छे पानी में इसे धोना है, जिससे कि जो हमारा जो विनेगर डाला है उसकी खटाई निकल जाए। तो 2-3 बार इसे अच्छे पानी में धो दीजिए आप, जिससे कि खट्टापन निकल जाए। देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से इसे धो लीजिए। अभी आपको इसे 1 घंटे तक रखना है। एक वज़नदार चीज़ जो है, जो भी आपके घर पे वज़नदार कूटने का जो पत्थर होता है वो, या फिर मैंने यहाँ पे जो तवा है वो रखा है, लोखंड का तवा डोसा बनाने वाला। तो आप जो भी आपको घर पे वज़नदार चीज़ लगे, इस तरह से इसके ऊपर दबा कर रखिए, जिससे कि सब पानी निकल जाए। देखिए, एकदम बढ़िया सा पनीर बनकर तैयार है। तो आप इसे कट कर स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में, और इसे जब भी आपको पनीर डिश बनाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो बढ़िया मलाई पनीर बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ, फैमिली में, फ्रेंड्स में, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू में जो बेल बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया नया रेसिपी जब आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काफ़ी बढ़िया बढ़िया रेसिपी मैंने मेरे चैनल में दे रखा है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बढ़िया पनीर रेसिपी आपको मैं आगे मेरे चैनल में दिखाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।